अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल की फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को ब्लोर करना चाहते हैं या अपने DSLR कैमरे की जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको ब्लोर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। जल्दी से आप अपनी वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें फ्री में इस चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तो चले दोस्तों चले जाते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप अपनी फोटोज़ को ब्लोर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ जाकर सिंपली डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको प्ले स्टोर के ऊपर ही डायरेक्ट कर देगा। और दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह तरीके से समझ लेना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं कर देना सिर्फ एप्लीकेशन का नाम सुनते ही। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं। क्विक ब्लोर दिया गया है और पॉइंट ब्लोर दिया गया है और कलेक्शन दिया गया, गाइड दिया गया है, शेयर ऐप दिया गया है, मोर ऐप दिया गया है। तो आप करना क्या चाहते हैं, ये आपका फोकस है, सिर्फ ब्लोर करना चाहते हैं आप अपनी फोटोज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप क्विक ब्लोर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि आप अपने जो फोटोज़ को है ब्लोर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिंपल सैंपल दिखाया गया है कि आप ऐसे मतलब कि किस तरह अपनी फोटोज़ को ब्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोस्तों आप सीधा जाएंगे पॉइंट ब्लोर के ऊपर, आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे पॉइंट ब्लोर है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो है 4-5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। रिफ्रेश का है, डाउनलोड का है, गैलरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने करना है फोटो, आप अपनी डायरेक्ट फोटो भी ले सकते हैं। आप टेक फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कैमरे अपने मोबाइल आपका मोबाइल का कैमरा जो है ऑन हो जाएगा और आप अपने मोबाइल के कैमरे से जो है फोटो ले सकते हैं और उसके बाद उसको ब्लोर कर सकते हैं। और चूज़ फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल में जो गैलरी है वहाँ पे आपको ले जाएगा, वहाँ से आपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये मेरा एक भाई है, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो को लेने के बाद दोस्तों मैंने इसको जो है क्रॉप कर लेना है जितनी फ़ोटो मैंने मुझे चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने टिक के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक करना है। टिक के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐड आएगा, ऐड को आपने दोस्तों यहाँ पर से क्लिक करके स्किप कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों आपके सामने जो है मेरी और जो मैंने अपने फ्रेंड की फ़ोटो सिलेक्ट की है वो आ चुकी है। यहाँ पे आपने इसका जो है बैकग्राउंड कैसे ब्लोर करना है, सिंपली आपने दोस्तों इसके ऊपर अपनी फिंगर को रखना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जितना जितना आपको जो चेहरा चाहिए आपने वैसा उतनी जो है घुमा लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने चेहरे पर मैंने ये इसको फेरा है उतना चेहरा वाजिया हो चुका है और दोस्तों आपका सामने जो है पीछे वाली बैकग्राउंड जो है ब्लोर हो चुकी है। ऐसे ही आप अपनी किसी भी फोटो को दोस्तों बैकग्राउंड का जो है इसको ब्लोर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को लाजमी फ्री में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको नई आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।